दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता तिट दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता तिट दिन दिन धा। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज मैं आपको जिन लोगों की ताल ठीक नहीं है उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि आपकी ताल सही हो जाए और आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उस चीज को आप ध्यान से सुने और समझे और देखिए उसको प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीज सही नहीं होगी। मैंने बहुत सारे ताल के वीडियो बनाए हैं, लोग देखते तो हैं वीडियो को लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तो वो चीज बैठेगी कैसे दिमाग में। ठीक है, अभी जैसे हमने आपको ताल जो है ताली हाथ पे काउंट करके दिखाया है, बिल्कुल आपको इसी तरह प्रैक्टिस करना है तो आपकी ताल मजबूत होगी और ताल ठीक हो जाएगी, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप उसको करेंगे, अच्छा दूसरी चीज, ये हमारा फर्स्ट वेरिएशन है ताल का और ये जो बज रही है जो आपने अभी सुनी है ये है तीन ताल। सभी लोग तीन ताल पे ही आपको क्यों बताते हैं ये भी इसका एक रीजन है, क्योंकि तीन ताल जो है ये हमारे नेचर की ताल है। हम कोई भी काम करते हैं वो तीन ताल के अंदर ही होता है, इसलिए वो ताल मेन ताल है और सभी तालें जितनी भी तालें बनी हैं सभी तीन ताल से ही निकलती हैं। सबकी जो हम उसको माँ कह सकते हैं, बाप कैसे कुछ भी कह सकते हैं, तालों का जो जो जड़ है जो वो तीन ताल है। तो सभी ताले जो ना तीन ताल से ही निकलती हैं, इसीलिए सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप तीन ताल को समझें और तीन ताल पर प्रैक्टिस करें। और ये तीन ताल पर प्रैक्टिस आपको कम से कम 6 महीने साल भर लगातार करनी, तभी दूसरी ताल को छुए अगर ताल गड़बड़ है तो, क्योंकि ताल एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ताल एक बड़ा सब्जेक्ट है। आप जो भी चाहें कुछ भी गाइए, गीत गजल भजन भजन, लेकिन वो किसी चीज में बिना ताल के सब बेकार है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये तीन ताल हमारी है और ये मैंने एक फोन में बजा रखी, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये हमारा फोन है। ठीक है, इसको हम बैक करते हैं। देखिए आपको इसको चाहे फोन को आप लोड कर लीजिए, ये इसका ऐप है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिदम फ्री, और इसको आप अपने फोन में लोड करने के बाद में अपने फोन को ब्लूटूथ से स्पीकर में कनेक्ट कर लेना है, फिर इसको आप प्ले करेंगे तो इस तरह ये बहुत सारी ताले आ जाती हैं। ठीक है, दादरा एक ताल, झप ताल, कैरवा, लेकिन इनको किसी को आपको नहीं छूना है। सबसे नीचे आना, ये लिखा है तीन ताल, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें सारे बोल भी दिखा रहा है, धा दिन धिंदा धा दिन धिंदा। अभी जब इसको हम बजाएंगे तो ये हाईलाइट भी होंगे। ठीक है, तो इसको आपको लगा लेना है। अभी ये हमारा टेम्पो चल रहा है, ठीक है, 82 पे हमारा ये टेम्पो है, तो इसको हम टेम्पो पे जाएंगे और अगर आप स्पीड नहीं कर सकते तो आप इसको सीधे ले आइए 50 पे। ठीक है, 52 पे कर देते हैं, ये हमने 50 पे लगा लिया। अच्छा, ताल को हाथ पे काउंट करके क्यों हमें करना है वो जरूरी बहुत है, क्योंकि जब आप मान लो ताल को आपने लगा लिया और आप घर में बजा रहे हैं तो धा कहाँ है, धिन कहाँ है, ये आप नहीं समझ पाएंगे शुरुआत में, तो वो आप सुनेंगे और कई बार सुनते सुनते हमारा जो माइंड होता है ना वो दूसरी जगह चला जाता है। हम सुन तो ताल को रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में चलने कुछ और लगता है, कोई काम हमारे दिमाग में है तो वो मन में आ जाता है और हमारे दिमाग से वो चीज निकल जाती है। लेकिन जब आप ताली दे करके करेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में भी रहेगी और तभी वो आपके माइंड में इंस्टॉल होगी। देखिए जो ताल है जब तक ये आपके माइंड में इंस्टॉल नहीं होगी, जैसे हम बहुत सारे ऐप वगैरह फोन में इंस्टॉल करते हैं और जब वो फोन ऐप जो है फोन में इंस्टॉल हो जाता है तो पूरे फोन को कवर कर लेता है, फिर वो पूरे फोन में फैल जाता है, अपना असर वो पूरे फोन में छोड़ देता है, हम जो भी काम करते हैं वो फोन से अटैच हो जाता है। इसी तरह आपको ताल को भी अपने माइंड में इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल वो जब ही होगी जब आप उस पर काम करेंगे तभी वो इंस्टॉल होगी। ठीक है, अब हमने इसका लगा लिया 52 पे, हमारा ये टेम्पो लगा लिया। ठीक है, इसको भी रखते हैं। अब आपको अपने हाथ को इस तरह खोल के रखना है और ताली दे करके पहली मात्रा पे ताली देना है, पांचवी मात्रा पे ताली देना है, नवी मात्रा पे खाली रखना है और तेरहवीं मात्रा पे ताली देना है। ये मैं आपको इस तरह में ताली के साथ बता रहा हूँ, ये हमारी ताल का नेचर है। बाकी मैंने तीन ताल के बहुत सारे ताल के वीडियो बना रखे हैं, उनमें भी आप जाकर के देखेंगे तो उसमें ये ताली का चक्कर रखा ही नहीं है,
उसको समझने के लिए, खाली सुनने के लिए और भी वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारी पहली मात्रा आ गई, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब देखिए इसमें ये जो है हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे जो भी हम स्वर वहां बज रहा है वहां यहाँ हाईलाइट हो रहा है। मन में आपके वही बोल चलना चाहिए। ठीक है, धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिट धिन धिन, धा धा। शुरुआती दौर में इस तरह आपको इसको करना है। जब इस तरह आप करेंगे तो आपके आपके जो दिमाग है, जो आपका माइंड है, उसका फोकस पूरा ताल पे रहेगा। और ये हमारी चल रही, अभी ये आपको शुरुआती दौर में इस तरह फोन में अपने ताल को लगा लेना और उसको ये जैसे इसमें चल रहा है उसको देखना नहीं है। उसको देखेंगे आप तो इसकी जो ये नंबरिंग चल रही वो आगे पीछे हो जाती है। उसको सुनना है, सुन करके उसको पहचानना है। ठीक है, एक एक बोल को कि धाका ट्यून का है, धिन का ट्यून क्या है, ये सारी चीज हमें सुनकर के पहचानना है। धिन धा धा धिन धिन धा। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा आपको एक चीज और लिख करके बताता हूं कि ये ताल का, ताल की जो लय है वो लय क्या है वो भी देखिए। इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। जैसे हमारा, हमारी जो ताल की लय होती वो होती है, वो होती है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, तिट धिन धिन धा। जो हमारी इसकी वो जब चलती है तो आपको तो लगेगा कि पूरा 16 मात्रा ऊपर तक जा रही है, लेकिन उसकी लय क्या है कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, धा तिन तिन ता ऊपर से उतर के आएगा, धा तिन तिन ता, तिट धिन धिन धा, और फिर धा धिन धिन धा। इस तरह से उसकी लय चलती है। ये हुआ, अगर हम इसको आपको लिख करके समझाएं तो धा धिन धिन धा, ये हमारा ऊपर तक गया। उसके बाद दूसरी बार भी सेम यही आएगा, धा धिन धिन धा, उसके बाद में ऊपर से उतर के आएगा, जैसे धा तिन तिन ता, ये ऊपर से उतर के आया लय, धा तिन तिन ता, फिर तिट धिन धिन धा। इस तरह धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, तिट धिन धिन धा। सीधा ऊपर गया, फिर यहां से ये उतर के इधर नीचे आ गया, इसकी लय नीचे आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी। तो ये इसकी लय है, वो लय भी आपके दिमाग में बसनी चाहिए। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, तिट धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, तिट धिन धिन धा। ठीक है, तो ये चीज भी हमें दिमाग में रखनी है और उसको लगातार आपको सुनना है और प्रैक्टिस करना है, हाथ पे ताली दे करके। हाथ पे ताली दे करके जब आप काउंट करेंगे, क्योंकि देखिए काउंटिंग बहुत जरूरी होती है। जैसे हमने हाथ पे लिया, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, हमारे तीन ताल में विभाग चलते हैं, चार चार के सब विभाग बनते हैं। और इसके बाद में जो आपकी ताल आएगी वो होगी कहरवा ताल। कहरवा ताल में भी चार का ही विभाग बनता है, वन टू थ्री फोर, फाइव सिक्स सेवन एट, वहां उसमें भी ताल हमारी चार मात्रा ऊपर जाती, चार मात्रा नीचे आती है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये कहरवा हो गया।
तो उसको जब आप हाथ में से मार के बजाते हैं तो आपके मन में भी बीट रहती है और हाथ में भी हमारे ताल रहती है, तो हम पूरा बंधे रहते हैं ताल के साथ में, आपका बिगड़ता नहीं है। और ये जैसा कि मैंने बताया, बीट जब तक आपके माइंड में अटैच नहीं होगी तब तक ताल आपकी सही नहीं होगी। ये फर्स्ट वेरिएशन है। अभी इसमें बहुत कुछ ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, ये इसका बस आपको करना यही है कि इसको लगा करके, और आपको जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस इतना बढ़िया कैसे चला, इसको आपको कम से कम 6 महीने तक लगातार इस पे काम करना है। जब इस तरह आप हाथ पे अपने उसको काउंट करने लगे, जैसे हम थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, अभी हमने ये 100 की स्पीड लगा ली, ठीक है, 100 की स्पीड पे भी आपको वही काम करना है, ठीक है। धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, ते दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, ते दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, ते दिन दिन दा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह। और स्पीड बढ़ा लेते हैं थोड़ी, ये हमारी 150 की स्पीड आ गई, ठीक है। इतने दिन दिन दा, दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, दा तिन तिन ता, इतने दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, दा तिन तिन ता, इतने दिन 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 दा, दा दिन दिन दा, दा तिन तिन ता, इतने दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, दा तिन तिन ता, इस तरह। जब आप उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले तो आपके माइंड में चार चार मात्रा के कॉलम बनेंगे और धादिन दिंदा की लय आपके माइंड में अटैच होगी और आप बीट से हटेंगे नहीं, ठीक है। अब जैसे ये हमारी सिंगल बीट है, अभी इसको हम स्पीड को फिर से कम करते हैं, इसके बाद में डबल बीट आती। जब आप गाना बजाते हैं तो गाने में गाना तो आपका इस तरह नहीं चलेगा कि हम तीन ताल लगा लिए और गाना बजा लें, नहीं, गाने की चाल जरूर इस तरह की हो सकती है कि हमारी कोई हमने गाना लिया और हमारी ये चाल चल रही है, ये चाल चलती चली जाएगी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, तो ये बीट तो हमारी उसमें, क्योंकि ये गाने की चाल है, ये चलती जाएगी, लेकिन ताल उस तरह से बजेगी, जब बजेगी तब आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो गाने में सिंगल बीट डबल बीट दोनों चलती हैं, तो उस समय पे आपको अपने हाथ पे एक जैसे हमने अभी सिंगल किया है, उसके बाद में डबल भी आएगा, डबल में हमको एक बीट पे 2 स्वर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम एक बीट पे 2 स्वर ले रहे हैं, यानी दादिन दिंदा, दादिन दिंदा, लेकिन हम दादिन दिंदा को ऐसे नहीं गाएंगे, लेकिन हम वहां पे गिनतियों से उसको काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारी गिनती चल रही है तो हम उसको काउंट करते चले जाएंगे। फिर से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब आप डबल करें तो इस तरह से इतनी स्पीड में मैंने लगा रखा, आप नहीं लगाना, आप फिर 50 पे ही जाना वापस, हम फिर 50 पे चलते हैं। और मैं तो कहूंगा पहले देखिए सिंगल जब आपका कंप्लीट हो जाए तभी डबल करें, मैं बता देता हूं कि आगे आपको करना क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन आप पहले सिंगल बीट को ही तैयार करें, ठीक है। अब इस पे हम डबल बीट करेंगे तो डबल बीट हमारी उसी तरह आएगी कि एक ताली पे 2 स्वर हमें बोलने हैं, 2 गिनती लेनी है, ठीक है।
धिन धिन धा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। और ये हाथ की प्रक्रिया आपकी यही निरंतर रहेगी, स्पीड जितनी भी आप बढ़ाएंगे तो ये हाथ इस तरह चलता रहे, आपकी ताल मजबूत हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि देखिए इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, अगर ताल को आप खेल समझेंगे तो वो कभी भी सही नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, एक जुनून के साथ हमें लगना पड़ता है किसी चीज में, तभी वो चीज सही होती है। बाद में आप इसी ताल पे अपनी सरगम को भी बजा सकते हैं, जैसे हमारी ताल चल रही है, ताल के साथ में आप अपने अलंकार, अलंकार आपको इतने बहुत सारे जो मिलते हैं करने के लिए, उन अलंकारों को भी ताल के साथ जब आप बजाएंगे तो उनसे भी आपकी ताल मजबूत होगी, ठीक है। इस तरह, ठीक है। आगे ताल में बहुत सारे और भी चीजें हैं, बहुत सारे और वेरिएशन हैं जो बताए आपको, आपके रियाज के हिसाब से बताए जाते हैं और आप उन पे प्रैक्टिस करते हैं। तो सिंगल डबल दोनों तैयार होती हैं बीट, और जब दोनों तैयार होती हैं तो आप किसी भी चीज को आसानी से बजा पाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया था कि तीन ताल को आपको इस तरह से बहुत प्रैक्टिस करना है, तभी आप किसी भी ताल में सही ढंग से उतर पाएंगे और तभी वो चीज सही हो पाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपकी ताल ठीक नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि देखिए आप क्लास ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ बैठिए और उसको प्रॉपर सीखिए ताल को। जब आप सीखेंगे देखिए तभी वो समझ में आएगी। अगर अंदाज से हम ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखते रहेंगे, वीडियो में जैसे अब हमें ताल का नॉलेज है तो हमने तो बता दिया आपको, अब आपको तो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे। तो हमें वो जब सामने आप बैठते हैं और सामने आपको कोई चीज बजाने की दी जाती है, बजवाई जाती है सामने, और आप बजाते हैं और गलत होता है, तुरंत आपको बताया जाता है नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे आप कीजिए तब सही होगी, तो वो चीज भी साथ साथ में जब चलती है तो फिर वो जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है और आप सही ढंग से सीख पाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर आप की ताल ठीक नहीं है और सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही सीख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़िए, बैठिए और सीखिए, ठीक है। तो आप सीख जाएंगे, घर से ही सीख जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार।